नमस्कार साथियों, मैं हूं आसकन सिंह और आप जुड़े हैं डेजर्ट स्टॉर्म के फेसबुक पेज से। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर है, जैसलमेर पुलिस को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पिछले लंबे समय से सक्रिय नकबजन गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इस गैंग द्वारा पिछले लंबे समय से जो है ज़िले में और ज़िले के आसपास बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। घरों में रात्रि हो या दिन हो, घरों में घुसकर चोरियां की जा रही थी, जिसके कई मामले जो है वो पिछले लंबे समय से सामने आ रहे थे। उसी को देखते हुए पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको जो है बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने पूछताछ में भी कई बड़े भी खुलासे किए हैं। गैंग के अन्य सदस्य है, उनके बारे में भी बताया है कि किस तरीके से जो है हम चोरियाँ करते थे और उन कहाँ कहाँ हमने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। जैसलमेर SP विकास सांगवान ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और साथ ही आम लोगों में भी पुलिस का विश्वास बना रहेगा। पिछले लंबे समय से जो है घरों में घुसकर घरों में सोए लोगों के कमरों के बाहर कुंडी बंद करके इस तरह की घटनाओं को दिन में और रात में अंजाम दिया जाता था, जिससे लोगों में काफ़ी भय था कि कभी भी किसी के घर में इस तरह से वारदातें हो सकती है। वो बड़े ही नए तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। वो आराम से घर में घुसते थे, अंदर सोए हुए लोगों के जिस रूम में लोग सोए हुए होते थे उसी रूम को बंद कर देते थे और उसमें घर का जो सामान होता था, संदूक हो या अटैची हो, उसको लेकर कुछ दूर जाकर उसमें जो भी होता था उसको लेकर फरार हो जाते थे। कई इस तरह की जो है घटनाएं सामने आई थी। सांगड़ थाना में भी एक मामला दर्ज हुआ था, साकड़ा थाना में भी एक मामला दर्ज हुआ था। इसी को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसको आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मूल सिंह, पुत्र सांग सिंह, जाति राजपूत, उम्र 24 साल, निवासी खिलाना, पुलिस थाना सांगड़, जिला जैसलमेर है। वहीं दूसरे आरोपी का नाम ओंकार सिंह, पुत्र तन सिंह, जाति राजपूत, उम्र 25 साल, निवासी कोटड़ा, पुलिस थाना शिव, जिला बाड़मेर है। वहीं उनके साथ जो तीसरा युवक पकड़ा गया है उसका नाम देवाराम, पुत्र दाऊराम, जाति मेघवाल, उम्र 30 साल, निवासी खारिया भाडखा, पुलिस थाना बाड़मेर, ग्रामीण जिला बाड़मेर का रहने वाला है। इन्होंने और भी कई खुलासे किए हैं और पुलिस आगे भी जो है इनसे कड़ी से पूछताछ कर रही है। पूरे गैंग के पीछे कौन है, गैंग के कितने सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करने और इस गैंग का जो है पूरा कहां कहां इन्होंने चोरियां की है। उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि इन्होंने जैसलमेर के अलावा फलोदी हो, बाड़मेर और जोधपुर ग्रामीण तक जो है इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। आगे पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।